ओम शांति। 19 दिसंबर 2023 की साकार मुरली। आज की मुरली है सर्विस। सर्विस कैसे सेवा करें और कैसे अपनी याद को इतना आगे बढ़ाएं जो दुनिया भूल जाए बाबा के विशेष कर्तव्य, मम्मा की महिमा और सर्विसेबल बच्चों की महत्वपूर्ण धारणाएं, ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व और अपनी अवस्था को एक रस बनाने का वरदान, बाबा के महावाक्य सुनने से पूर्व एकाग्रता बढ़ानी होती है, उसके लिए अपने मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें, अपने भीतर झांकें, जगमगाता सितारा देखें। ये हूँ मैं ज्योति बिंदु, शुद्ध आत्मा, परमात्मा की संतान, जो दूर देश के निवासी हैं, महाज्योति बिंदु है, निराकार सर्वशक्तिमान अवतार लेते हैं इस कलयुग की अंतिम वेला में, प्रजापिता ब्रह्मा के मस्तक में उस महामानव के द्वारा हमें पावन बनाने के लिए ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो, गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, तो यह सर्विस है जन कल्याण के लिए, सबको सुख देने के लिए, उसके लिए अपने को तैयार करना है। ज्ञान की गुह्यता में जाकर पराकाष्ठा धारण करनी है और उमंग और खुशी से सेवा के ऐसे तरीके निकालने हैं जो अन्य आत्माओं को ज्ञान की स्पष्टता दे सकें। साथ ही साथ योग का बल भी धारण करना है, तो उसके लिए बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि बुद्धि से पुरानी दुनिया भूल जाए ऐसा योग बल धारण करो। उसके लिए घर को, जो आत्माओं का देश है परम धाम, उसे घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुक्त कर जाना है अपने घर, और फिर वहाँ से आना है नई दुनिया में। ये देह से भी बेघर हो जाए, यानी देह भी जैसे पराई वस्तु है, अपनी नहीं है, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है, एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है, बार बार अभ्यास करें कि ये देह पराई वस्तु, इसे छोड़कर मैं आत्मा जा रही हूँ अपने आत्माओं के देश घर। अभ्यास करते करते पुरानी दुनिया भूल जाए, फिर आज की मुरली से हम चलते हैं शिव बाबा की महिमा की ओर, बुद्धि से उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए। भगवान एक निराकार होता है, उनको बाबा भी कहा जाता है। साकार देहधारी को
भगवान नहीं कहेंगे, आत्मा तो शरीर लेकर टॉकी बनती है, जैसे ही सितारा मिट्टी के शरीर में आता है तो उसके मुख से आवाज करने लगता है, परंतु निराकार बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनको देखते हुए सुनते जाएं। उनका नाम एक ही शिव है, वही ज्ञान के सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं। भगवानो वाच, मैं ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो बाप ही आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीज़ों को नया बनाते हैं, तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं और उसमें सब शास्त्रों का सार आ जाता है और उस सद्ज्ञान से ही पुरानी दुनिया नई बन जाती है। जब हम उसे धारण करते हैं तो बाबा समझा रहे हैं, देखो लौकिक बाप से कभी किसी का निश्चय नहीं टूटता, परंतु यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं यानी बाबा का बच्चा बनते हैं, फिर ऐसे बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है, इन आँखों से दिखता नहीं है। अब निराकार बाबा साकार द्वारा कहते, इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को छोड़ देही अभिमानी बनकर निरंतर माम एकम याद करो और पवित्र बनो, तो मेरे पास आ जाएंगे। योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा की ये हिदायत हम पूरे अटेंशन से पालन करें कि पुरानी दुनिया और देह को छोड़ना है, बुद्धि से देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनना है, निरंतर एक बाबा को याद करना है, तो पवित्र बनकर बाबा के पास चले जाएंगे। आज बाबा मम्मा के लिए हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि मम्मा के लिए गीत गाते हैं, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। तो भारत में जगदम्बा की महिमा बहुत है, वास्तव में उनको ईव अर्थात बीवी भी कहते हैं, एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती आदम बीवी भी कहते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जगदम्बा के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए कि ये जगदम्बा सृष्टि को रचने वाली माता है। अच्छा, इस माता का पिता कौन है, तो बताना है परम पिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडाप्ट किया वैसे बच्ची को भी किया है। ये प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ये जगत अम्बा भी निराकार परम पिता परमात्मा से योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाएं। ये अभी राजयोग की तपस्या कर रही हैं, फिर भविष्य में राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनती हैं। ऐसे ऐसे समझाएंगे तो उनका भी बुद्धि योग परमात्मा बाप से जुट जाएगा, तो वो भी उनसे शक्ति पा लेंगे। तो ये ठीक दिशा निर्देश सबको देना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हम उसकी वैल्यू सुनते हैं, बाप समझाते हैं ये तुम्हारी वंडरफुल पढ़ाई है, इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं, इसमें घर बार छोड़ना नहीं पड़ता, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है, बेगर बनना है। कौन से वाला बेगर,
जो अपने देह सहित सब कुछ बुद्धि से त्याग दे, यानी उसे मेरा न माने और एक बाप का बन जाए, तो इस पढ़ाई में जाइए देह सहित सब बातों से अटैचमेंट का त्याग। तो जितना तुम एक बाप को याद करेंगे तो उतनी इस पढ़ाई की धारणा होगी, कहीं बुद्धि अटैच होगी तो धारणा नहीं हो पाएगी। तो बुद्धि में सदा नशा रहे कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। अब हमको बाबा के पास घर जाना है, तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों रखें। तो ये अनोखी पढ़ाई है, घर में रहते पढ़ सकते हैं, परंतु बुद्धि से काम करना, अटैचमेंट का त्याग करना और गुह्यता को जानना, सृष्टि में क्या पाठ चल रहा है और अब हमें कहाँ जाना है, ये सब ध्यान रखना ये पढ़ाई हमें सिखाती है। फिर आज बाबा हमें ईश्वरीय सेवा की युक्तियां समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस के लिए बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए, पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर भक्तों को प्यार से समझाओ। ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इनको बादशाही कैसे मिली, फिर श्री राम के मंदिर में भी जाकर उनका ऑक्यूपेशन बताओ। बंगाल में काली देवी का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सर्विस कर सकते हो। ये काली माँ कौन है, इन पर भाषण करो। त्रिवेणी पर भी बहुत मनुष्य जाते हैं, वहाँ जाकर सर्विस करो। ये दया का सागर बाबा अपने सब भक्त बच्चों को आज याद कर रहे हैं कि जो जिसकी भक्ति करते हैं उसका स्पष्टीकरण देकर सबकी बुद्धि का कनेक्शन भगवान से कराएं, तो सब उनसे सुख आनंद शक्ति पालें। बाबा ने कहा ऐसे भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, फिर तुम्हें निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। अब बाबा मम्मा तो कहाँ नहीं जाएंगे ना, बच्चे भी कहाँ जाकर सर्विस कर सकते हैं। तो बच्चों को ही लक्की स्टार्स कहा जाता है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया, तो बच्चे बाबा कितनी दूर से तुमको सिखाने आया है, अगर तुम सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। तो सर्विस में लग जाने से फिर मज़ा आएगा, मम्मा बाबा को भी सर्विस में मज़ा आता है। तो जो बेहद की सेवा करते हैं वह फिर मान भी बहुत पाते हैं। तो तुम व्यवहार के साथ साथ सर्विस भी कर सकते हो। अब सर्विसेबल बनने के लिए बाबा ने आज कुछ धारणाएं बताई हैं, जो हम नोट करके उन धारणाओं को जीवन में उतारेंगे। सेवा के लिए बाबा कहते ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, योग का बल चाहिए, सेवा करने वालों को पवित्र रहना है, देह अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और युक्ति युक्त होकर समझाना है। समझाने समय हिम्मत रखनी है और मेहनत करनी है, पूरी तैयारी करनी है, ताकि सबकी बुद्धि में ये स्पष्टता सहज से दे सकें। और अब हम लेते हैं सतगुरु बाबा से आज का वरदान। बाबा वरदाता है, भाग्य विधाता है, हम सब की झोलियां भरने वाला है और इस समय
मेरे सामने बाबा की दिव्य दृष्टि मुझ आत्मा बिंदु को निहार रही है, मुझ में अनोखा बल भर रही है, मेरी देह भूलती जा रही है, प्रकाश में काया का अनुभव हो रहा है, बाबा की शक्ति अंदर समा रही है, बाबा का वरदान मिलता है, बच्चे एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहु रस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो, सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। स्थिति एक रस बनाने के लिए एक बाबा दूसरा न कोई, ये एक संगम के समय पर पाठ पक्का करना है और अंतिम समय की तैयारी करनी है कि कोई दूसरा रस आकर्षित न करे, एक के रस में रहें और उसी से संपूर्ण अधिकार पालें। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। ध्यान रहे, संकल्प भी अशुद्ध उत्पन्न न होने पाए, क्योंकि पॉट भी हमारे लिए एक फूड है। जैसे सच्चे वैष्णव भोजन का परहेज करते हैं तो हमें साथ में संकल्पों के भी शुद्धिकरण का परहेज रखना है। आज की मुरली से होमवर्क लेंगे कि हमें विचार सागर मंथन करके सेवा की नई नई विधियां निकाल के ठीक प्रैक्टिस करके गांव-गांव में जाके सर्विस का सबूत देना है और सर्विसेबल बनने के लिए पवित्रता और योग का बल जमा करना है। व्यर्थ संकल्पों की बहुत परहेज रखनी है और बुद्धि से पुरानी देह व पुरानी दुनिया को भूल, देही अभिमानी सोल कॉन्शियस बनने की मेहनत करनी है। अंतिम पेपर में पास होने के लिए एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। बुद्धि में वो एक परम सुंदरम दिखता रहे, उससे हंसी और कोई है नहीं, बुद्धि को खींचता रहे और कोई भी रस न खींचे, ताकि मैं आत्मा उनकी समग्र शक्तियां अपने अंदर धारण करती रहूं। ओम शांति।